मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर में सॉलिड स्टेट पेपर चल रहा था और उसका जो यूनिट फर्स्ट थी उसका टॉपिक चल रहा था अपना मिलर इंडाइसेज। मिलर इंडाइसेज तो इसमें एक क्वेश्चन लिखो मिलर सूचकांक आपका 111, दूसरा है 110 व 100 के लिए घनीय संरचना का चित्र बनाओ, घनीय संरचना का रेखा चित्र बनाओ, रेखा चित्र बनाओ। 110 और 100 का रेखा चित्र बनाओ। ये HKL के मान हैं, HKL के मान। HKL क्या होता है? HKL A/OA, B/OB, C/OC। तो सबसे पहले तुम 111 का डायग्राम बनाओ। यह आपकी, इसको मान लो आप YZX 11 के लिए, ये 11 हो गया, ये डायग्राम हो गया 111। 111 का रेखा चित्र, ये मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है RU में। ये हो गया, ये 111 का डायग्राम हो गया। दूसरा देखो, दूसरा है 110, दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा देखो 110। 110, इस जीरो का मीनिंग क्या है? यानी इसका मान 1 है, इसका मान 1 है और इसका मान 0। L का मान 0 है, यानी यहाँ पर जो OC है, OC का मान अनंत है। OC का मान अनंत है तो इसका मतलब क्या है? पैरेलल टू प्लेन, समतल के समानांतर है। यानी जो C है वो समतल के समानांतर है। तो इसका डायग्राम वही बना लो आप, ये Z, ये Z, ये Y, ये X, यहाँ पर वन, वन वन समांतर है, ये वाला सब, ये देखो, ये जो प्लेन है वो जेड के समांतर है। जो आपका प्लेन दिखाई दे रहा है, एक्स पे भी क्रॉस कर रहा है, वाई पे क्रॉस कर रहा है, लेकिन जेड के समानांतर है, यानी अनंत पे जाके जेड को काटेगा। इसका अंतःखंड अनंत पे कटेगा, अंतःखंड यानी ओसी अनंत पे कटेगा। तो ओसी का मान अनंत है तो आपका एल का मान 0 हो गया। ये किसके लिए है? ये है 110 के लिए। ये भी नोट कर लेना, ओसी का मान अनंत है, अनंत का मतलब पैरेलल टू प्लेन। तीसरा है आपका, वन जीरो जीरो HKL 100 100 यानी A/OA
ओ अपॉन सॉरी बी अपॉन ओ बी सी अपॉन ओ सी। ओ बी भी कितना है अनंत और ओ सी भी कितना है अनंत। ओ बी भी अनंत है और ओ सी भी अनंत है, मतलब जो आपकी वाई एक्स है उसको भी अनंत पे काटेगा और जेड एक्स को भी अनंत पे काटेगा। बनाओ ये जेड ये वाई ये एक्स, तो जेड एक्स को तो काट रहा है, ये जेड को काट दिया, जेड एक्स को यहाँ कैंसिल कर रहा है, ये है वाई ये जेड ये एक्स। जेड एक्स के भी समानांतर है और वाई एक्स के भी समानांतर है, जेड के समानांतर है और वाई के समानांतर है। ये देखो जेड के समानांतर जा रहे हैं, अनंत पे जाके काटेगा और वाई को भी अनंत पे जाके काटेगा, लेकिन एक्स को काट रहा है, एक्स को एक तो यहाँ काट रहा है यहाँ पर भी काट रहा है। तो ये संरचना किसकी हो गई 100 की, नोट करो। नेक्स्ट लिखो इससे, दो जालक समतलों के मध्य का कोण, दो जालक समतलों के मध्य का कोण। दो जालक समतलों के मध्य का कोण, दो जालक समतलों के मध्य का कोण मतलब एंगल बिटवीन ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन या डायरेक्शन ऑफ प्लेन, एंगल बिटवीन ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन, जो प्लेन का विन्यास है उनके बीच में कोण। दो जालक समतल हैं, जालक समतल के पैरामीटर एच के एल, तो दो हैं तो एक के तो हो गए एच वन के वन एल वन, दूसरे के हो गए एच टू के टू एल टू, दोनों के बीच में कोण हो गया कोस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया एच वन एच टू प्लस के वन के टू प्लस एल वन एल टू। यहाँ से एच वन स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर प्लस एल वन स्क्वायर इज, दूसरा है एच टू स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर प्लस एल टू स्क्वायर, एच वन स्क्वायर के वन स्क्वायर एल वन स्क्वायर, दूसरा एच टू स्क्वायर के टू स्क्वायर एल टू स्क्वायर। ये दोनों जालक समतलों के मध्य कोण हैं। नेक्स्ट है दो लेटिस प्लेनों के मध्य की दूरी, दो लेटिस प्लेनों के मध्य की दूरी, दो जालक समतलों लेटिस प्लेन, लेटिस प्लेन के मध्य की दूरी, लेटिस प्लेन्स के मध्य की दूरी, यानी दो समतल हैं, एक समतल आपका ये है दूसरा समतल आपका ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली, एक आगे है एक पीछे है, दोनों के बीच की दूरी, दो समतलों के बीच की दूरी, इसको डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस डी।
और ये निकालते हैं जैसे आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, सी टी ओ आर एच एम टी, तो इन तीन के लिए आपके बीएससी में है, आपके बीएससी में इन तीन की ही पूछेगा तो। और ये अपने बीएससी के सिलेबस में नहीं है, ये आगे है अपने हैं, क्यूबिक का है, टेट्रागोनल का है और ऑर्थोरोम्बिक का है। क्यूबिक का है, क्यूबिक सी यू बी आई सी, क्यूबिक का है, टेट्रागोनल का है, द्विसमलंबाक्ष और ऑर्थोगोनल का है, ऑर्थोरोम्बिक विषमलंबाक्ष का है, ना रोम्बोहेड्रल का है, ना हेक्सागोनल का है, ना मोनोक्लिनिक का है, ना ट्राइक्लिनिक का है। तो अपने बीएससी में सिर्फ तीनों का ही है, सी टी ओ, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। इसको नोट करते हैं, सबसे पहले क्यूबिक का, सी यू बी आई सी, क्यूबिक स्ट्रक्चर घनीय संरचना, इसकी दूरी डी एच के एल, डी एच के एल ये होती है आपकी एन एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एच के एल स्क्वायर, सी स्क्वायर। लेकिन क्यूबिक में क्या होता है, ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, तो ये क्या हो गया, एच के एल हो गया अपना एन अपॉन एच स्क्वायर ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सब में से वन बाई ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट है, तो वन ए हो जाएगा और ए आपका ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो डी एच के एल का मान आ गया, डी एच के एल का मान आ गया एन ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मान आ गया। क्यूबिक का हो गया। दूसरा है आपका सी टी, टेट्रागोनल, दूसरा है टेट्रागोनल विषम लंब द्विसम लंबाक्ष, दूसरा है टेट्रागोनल द्विसम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष होता क्या है, ए बी बराबर होते हैं, सी बराबर नहीं होता, तो डी कितना हो जाएगा, डी एच के एल कितना हो जाएगा, एन यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, और एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सही। ए बी बराबर होते हैं, सी बराबर नहीं होता, ये वाली कंडीशन रखो या मान, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी एच के एल का मान हो जाएगा एन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये मान हो जाएंगे डी एच के एल, ये मान हो जाएंगे। तीसरा है आपका ऑर्थोरोम्बिक, नोट करो इसको, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ए बी सी रिलेशन तीनों बराबर नहीं होती, तो लिखो नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक यानी विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष में
तीनों बराबर नहीं होती, तीनों बराबर नहीं होती तो डी एच के एल क्या हो जाएगा, डी एच के एल हो जाएगा आपका एन एच स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर और एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मान हो जाएंगे और तो रहूं विषम लंबाक्ष। जो बच गए कौन कौन से बच गए, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, इन चारों का बीएससी में नहीं है। नेक्स्ट लिखो, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के जो जालक समतल हैं उनके बीच की दूरी। सिंपल क्यूबिक एस सी बी सी सी एफ सी सी के जालक समतलों के मध्य की दूरी, एस सी बी सी सी एफ सी सी के जालक समतलों के मध्य की दूरी, के जालक समतलों के मध्य की दूरी, यानी सिंपल क्यूबिक के जो लेटिस प्लेन हैं उनके बीच की दूरी क्या होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हैं उसके प्लेनों के बीच की दूरी, और जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें लेटिस प्लेन के बीच की दूरी। तो लिखो इसमें सरल घनीय पहला लिखो एस सी सी एस सी पहला है सिंपल क्यूबिक सरल घनीय, पहला है सिंपल क्यूबिक सरल घनीय, इसमें लिखो सिंपल क्यूबिक संरचना में जालक समतलों के सूचकांक इंडाइसेज सूचकांक होते हैं आपके 100 110 तथा 111 होते हैं। सिंपल क्यूबिक संरचना में जालक समतलों के सूचकांक 100 110 और 111 होते हैं। तथा सिंपल क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक में जालकों के मध्य की दूरी, जालकों के मध्य की दूरी दूरी क्या होती है, डी एच के एल, ये होती है आपकी एन ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दूरी होती है डी एच के एल, ये होती है। यहाँ से देखो तो आपका डी 100 कितना हो गया, डी
100, ये हो गया आपका एन का मान 1, एक स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ए, दूसरा बी 110, ये हो गया आपका ए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर ए बाई √2, तीसरा हो गया डी 111, ये हो गया आपका ए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहाँ से ए बाई √3। ये सिंपल क्यूबिक के लिए हो गया, तीनों नोट करो। सिंपल क्यूबिक के लिए तो लेटेस्ट प्लेन है आपका 100, उनके बीच की दूरी। दूसरा लेटेस्ट प्लेन है 110, उनके बीच की दूरी। तीसरा है 111, उनके बीच की दूरी। तीसरा है आपका, सॉरी दूसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। इसमें लिखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में यूनिट सेल के कोनों पर एक एक परमाणु, कोनों पर एक एक परमाणु तथा केंद्र में एक परमाणु होता है। अतः BCC के लेटेस्ट प्लेन में, अतः BCC के लेटेस्ट प्लेन, अतः BCC के लेटेस्ट प्लेन 100 में SC के सिंपल क्यूबिक के लेटेस्ट प्लेन 100 के अतिरिक्त एक अन्य लेटेस्ट प्लेन, एक अन्य लेटेस्ट प्लेन, लेटेस्ट हो गया लेटेस्ट प्लेन बीचों बीच या लेटेस्ट प्लेन मध्य में स्थित होगा। ये पढ़ी रखा है अपन ने, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में
यूनिट सेल के कोनों पर एक एक परमाणु तथा केंद्र में एक परमाणु होता है, ये वाली संरचना पढ़ रखी है। ये हो गया, एक परमाणु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, टोटल कितने हो गए, आठ, और एक होता है बीच में। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में यूनिट सेल के कोनों पर एक एक परमाणु तथा केंद्र में एक परमाणु होता है, केंद्र में एक परमाणु होता है। अतः बीसीसी के लेटेस्ट प्लेन 100 के में, अतः बीसीसी के लेटेस्ट प्लेन 100 में एससी के लेटेस्ट प्लेन 100 के अतिरिक्त एक अन्य लेटेस्ट प्लेन बीचों बीच या मध्य में स्थित होगा। अतः दूरी क्या आ गई, जो बीसीसी के लेटेस्ट प्लेन 100 की दूरी है वो एससी के लेटेस्ट प्लेन की आधी हो जाएगी। अतः ये वाला डी 100 बीसीसी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी 100 एक बटा टू, 1/2 डी 100 एस सी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक लेटिस प्लेन और है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा डी 110, ये हो जाएगा आपका 1/2, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ए, यही है, इसका मान हो जाएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का 100, तो इसका मान हो जाएगा डी ए बाई टू। एक मान तो ये आ गया, सॉरी रूट टू आई, हाँ ए बाई टू, ये हो गया लेटेस्ट प्लेन 100 के लिए, दूसरा होगा लेटेस्ट प्लेन 110 के लिए, इसके बाद लिखूं इसमें लिखो दूसरा है, दूसरे लेटिस के लिए कौन से प्लेन के लिए, तीन प्लेन थे 100 110 और 111, तो लिखो सिंपल क्यूबिक का लेटिस प्लेन, सिंपल
क्यूबिक का लेटिस प्लेन, कौन सा लेटिस प्लेन? दूसरा 110 लेटिस प्लेन केंद्रीय बिंदु से होकर गुजरता है, केंद्रीय बिंदु से होकर गुजरता है। गुजरता है अतः बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का लेटिस प्लेन 110 भी इस प्लेन के समान होगा, भी सिंपल क्यूबिक के इस प्लेन के समान होगा अर्थात डी 110 ये है आपका बीसीसी का, ये बराबर होगा डी 110 सिंपल क्यूबिक का। तो ये हो जाएगा आपका डी 110 इज इक्वल टू ए अपॉन 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया डी 110 ए बाई रूट टू। ये मान आ गया, तीसरा प्लेन 111 इसके लिए लिखो सिंपल क्यूबिक का लेटिस प्लेन 111 केंद्रीय बिंदु से होकर नहीं गुजरता है, केंद्रीय बिंदु से होकर होकर नहीं गुजरता है, अतः बीसीसी का लेटिस प्लेन कौन सा? 111 सिंपल क्यूबिक के इस लेटिस प्लेन के बीचों बीच स्थित होगा, सिंपल क्यूबिक के इस लेटिस प्लेन के मध्य स्थित होगा अतः क्या हो जाएगा, अतः यहाँ लिख देता हूँ, अतः D111 BCC ये बराबर होगा 1/2 D111 FCC ये बराबर होगा SC। यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा D111 ये हो जाएगा आपका 1/2 A अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा D111 A/2√3 ये मान आ जाएगा, नोट करो इसको। इसके बाद देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए FCC के लिए, यह आपका BCC का पूरा हो गया, इसके बाद FCC के लिए नोट करो इसको।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा? यूनिट सेल होगी, यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु, तथा जो फलक होंगी, छह फलक हैं यूनिट सेल की, उन फलकों के या उन फलकों पर एक एक परमाणु। कोनों पर एक एक परमाणु हो गया, इसके बाद ये वाली इस फलक पे एक परमाणु, ये फलक इस पे एक परमाणु, दूसरी फलक है ये यहाँ पर एक परमाणु, एक इस पे हो गया, एक इस पे हो गया, एक इस पे हो गया, एक जो पीछे की तरफ है उस पे हो गया, और एक जो आगे की तरफ है उस पे हो गया। छह परमाणु फेसों पर और एक परमाणु कोनों पर। इसमें डायरेक्ट लिख लो आप, इसमें यानी ये हो जाएगा आपका प्लेन। प्लेन तीन थे, 100, 110 और 111। FCC के तो इधर हो जाएंगे, FCC 100, 110, 111 ये हो जाएंगे। ये मान आ जाएंगे, नोट करो इनको। फिर तीनों के बीच में एक टेबल बनाते हैं, इसमें टेबल बनाएंगे। टॉपिक था अपना स्पेसिंग ऑफ लेटिस प्लेन इन SC, BCC और FCC। ये जालक समतल थे, उनके बीच की दूरी किस में? SC में, BCC में और FCC में। इसमें लिखो आप, इसमें पे लिख लो, इधर तो लिख लो आप दूरी,
D100, इधर D110, इधर D111, इधर लिख लो स्ट्रक्चर, ये होगी सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कितना मान आया, ए यहाँ पर ए बाई रूट टू, यहाँ पर ए बाई रूट थ्री, इसमें आया आपका ए बाई टू, ए बाई रूट टू, ए बाई टू रूट टू। तीसरा है आपका, इसमें आ गया ए ए अपॉन टू रूट टू, टू रूट टू, और यहाँ आ गया आपका सॉरी टू रूट थ्री आएगा यहाँ। ये हो गया आपका इसमें, इधर आ जाएगा आपका स्पेसिंग ऑफ लेटिस, स्पेसिंग कर लो इसको SPACING, स्पेसिंग यहाँ पर लेटिस स्ट्रक्चर या जालक कौन कौन से हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कर लो। स्ट्रक्चर और दूरी टेबल बना लो। अब आता है अपना रेसिप्रोसिटी लेटिस। इसके बाद आता है रेसिप्रोसिटी लेटिस। इसमें लिखो आप मिलर इंडाइसेज पूरा हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा। रेसिप्रोसिटी लेटिस प्रतिलोमी जालक, रेसिप्रोसिटी या रेसिप्रोसिकल, रेसिप्रोकल कर लो इसको, रेसिप्रोकल। हेडिंग डाल लो यहाँ पर रेसिप्रोकल लेटिस या प्रतिलोमी जालक, प्रतिलोमी जालक। इसमें लिखूं एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ दो लेटिस होते हैं, पहला क्रिस्टल लेटिस, दूसरा रेसिप्रोकल लेटिस। इसमें लिखो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ दो लेटिस होते हैं, दो लेटिस होते हैं, पहला क्रिस्टल लेटिस तथा दूसरा रेसिप्रोकल लेटिस प्रतिलोमी जालक, रेसिप्रोकल
लेटिस, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ दो लेटिस होते हैं, एक रेसिप्रोकल लेटिस दूसरा क्रिस्टल लेटिस। इसमें लिखो किसी क्रिस्टल लेटिस का, किसी क्रिस्टल लेटिस का, क्रिस्टल लेटिस का एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप ही उस क्रिस्टल लेटिस का उस क्रिस्टल का रेसिप्रोकल लेटिस है, रेसिप्रोकल लेटिस है, जैसे लाउवे का एक्स किरण विवर्तन, जैसे लाउवे का एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप, ये आगे आएंगे एक्स किरण, ये लाउवे का एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप, देखो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सी कितनी होती है, 2D में होती है चार, कौन कौन सी, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ओब्लिक्यू है, हेक्सागोनल है, 2D में हो गई दो चार, और 3D में सात, सात कौन कौन सी, सात हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, यानी 2D में चार और 3D में सात। तो किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ दो लेटिस होते हैं, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ दो लेटिस होते हैं, पहला होता है क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल जालक, दूसरा होता है प्रतिलोमी जालक, एक क्रिस्टल जालक दूसरा प्रतिलोमी जालक या रेसिप्रोकल लेटिस। किसी क्रिस्टल लेटिस का एक्स किरण विवर्तनिक प्रतिरूप, एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप ही उस क्रिस्टल का रेसिप्रोकल लेटिस कहलाता है, कौन सा, एक्स किरण विवर्तन रूप, आगे आएगा क्या होता है। तो किसी क्रिस्टल का या किसी लेटिस क्रिस्टल का एक्स किरण विवर्तन रूप ही रेसिप्रोकल लेटिस कहलाता है। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लाउवे साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक प्रतिरूप दिया एक्स किरण प्रतिरूप, तो लाउवे का एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप। अब इनके पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं, जो व्युत्क्रम होते हैं, इसमें दूसरा लिखो ये रेसिप्रोकल लेटिस के पैरामीटर, रेसिप्रोकल लेटिस के प्राचाल पैरामीटर के पैरामीटर क्रिस्टल लेटिस के पैरामीटरों का क्रिस्टल लेटिस के पैरामीटर्स का व्युत्क्रमानुपात या पैरामीटर्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
रेसिप्रोकल लेटिस के पैरामीटर क्रिस्टल लेटिस के पैरामीटर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्रिस्टल लेटिस के पैरामीटर अपन ने निकाल लिए। आगे लिखो, रेसिप्रोकल लेटिस में प्रत्येक बिंदु, रेसिप्रोकल लेटिस में प्रत्येक बिंदु रेसिप्रोकल लेटिस में प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल लेटिस के समांतर, क्रिस्टल लेटिस के समानांतर, क्रिस्टल लेटिस के समानांतर समानांतर समतलों के समुच्चय को दर्शाता है। समानांतर तलों के समुच्चय को दर्शाता है, दर्शाता दर्शाता है प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, दर्शाता है। रेसिप्रोकल लेटिस में प्रत्येक बिंदु क्रिस्टल लेटिस के समानांतर समुच्चय को दर्शाता है। इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी, इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी, इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी जालक समतलों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जालक समतलों के मध्य की दूरी जालक समतलों के मध्य की दूरी डी से बताते थे, डी एच के एल, इन समतलों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी जालक समतलों के मध्य की दूरी डी एच के एल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अर्थात सिग्मा एच के एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी एच के एल, ये वाला, ये क्या है, जालक बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी ये किसके समानुपाती होती है, दो जालक समतलों के मध्य की दूरी के समानुपाती होती है। यहाँ तक नोट करो। फिर एक डेरिवेशन है रेसिप्रोकल लेटिस का, इसमें डायग्राम बनाना है।
ये हो गया। ए बी सी डी यहाँ जालक समतल डी वन वन सॉरी 100 इसमें अभाज्य कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा? अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, अभाज्य या वॉल्यूम इधर लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल ये हो जाएगा वी। वी क्या हो जाएगा? जो आपका समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज के आधार का क्षेत्रफल, इंटू ऊंचाई। भाई ये आधार है आपका एबीसीडी, आधार ए बी सी डी का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई। आधार ये वाला ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल को ए से बता दो, यानी वी इज इक्वल टू ए क्षेत्रफल। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है डी वन जीरो जीरो। तो यहाँ से डी 100 का मान आ गया, ये मान हो गया, या 1/ निकाल लो, 1/ डी 100 का मान हो गया आपका ए अपॉन वी।